हमारे लिए टाइम कम होता था इनके पास, बट अपना जो है इन्होंने करा, उसको इवॉल्व किया पूरा। फ्रस्ट्रेटिंग बहुत होता था क्योंकि इनके कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गए दिल्ली में, तो रोज़ अक्सर मेरे यहाँ बहुत बड़ी गैदरिंग्स होने लगी लोगों की। उस 2 साल के फेज में हमारे घर में काफ़ी ऊपर नीचे हुआ, झगड़े भी हुए। Thank you.
He gets up daily at 4 o'clock and do his rehearsals, like with the sitar and veena, and then he will make sure that he gets up from his rehearsal at 9. Then he'll go for bath and he has to be at work by 10. So by like that, he's very disciplined. मैं ज़्यादातर 4 बजे उठ जाता हूँ, तो 4 से लेकर के 6 या कभी 3 बजे भी उठ जाता हूँ, 3 से 6 ये समय एक्सक्लूसिव मेरे पास है, जिसमें कि फैमिली जब सो रही होती है तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है किसी के बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस समय मैं म्यूज़िक का रियाज करता हूँ, सुनता हूँ। और ये एक सच बात है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को आपको फैमिली के मेंबर का दर्जा देना पड़ता है, तभी जा कर के वो आपको रिस्पॉन्ड करता है और आपको बजाने देता है अपने आप को। नहीं तो अगर आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को उतना प्यार नहीं देंगे तो वो आपसे आपको बजाने नहीं देगा अपने आप को। ये मैंने बात महसूस की है। और मैंने एक बार देखा था शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, शहनाई सामने पड़ी हुई और उससे विनती कर रहे हैं कि भाई तू मुझे बजाने दे, और बोलते थे कि जब ये चाहती है तब बजती है। और वाकई में ऐसा है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में एक स्पेशली जो ये रुद्रवीणा है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मार्गी संगीत में काम में आते हैं, टेम्पल के साज हैं, उसमें एक रूह है, उसमें एक सोल है, एक जीवित चीज़ है, तो आपको उसको वैसे ही ट्रीट करना पड़ता है।
मोरी बात मान ले रे हरे माया हरे अदवाया मोरी बात मान रे मान रे हरे वा ये बी आई एस के अंदर कवर्ड है, इसके अंदर आपने देखा है इसका डॉक्यूमेंट नहीं आया? डॉक्यूमेंट नहीं आया तो उसका आप देखिएगा, मेरे ख्याल से प्रॉब्लली ये डिक्लेयर किया होगा, इसको आप चेक कर लेना। Describe me kya item hai? And these are moon covers. This is one. सर इट्स ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है, सॉर्टेड है सर, ये जैसे 60 पीसेस है सर। अच्छा, इधर ये 60 पीसेस का ये अलग डिफरेंशिएट। अच्छा ये अलग है। अच्छा सर, ये अलग है, ये अलग है। वेदों में ये वर्णन आता है कि जब वृत ने चारों तरफ हाहाकार मचाया तो इंद्र ने वृत को पराजित करने के लिए मां सरस्वती का सहयोग लिया। माँ सरस्वती ने वृत को मोहित कर दिया वीणा बजा करके, और जैसी वो मोहित हो गया तब इंद्र ने वृत के ऊपर प्रहार करके उसको धाराशाही कर दिया। तो ये शांत करने की जो इसमें इसमें कैपेबिलिटी है, इसमें पावर है, इसका नाम रुद्र वीणा इसलिए है क्योंकि ये रुद्र को का रुद्र भी का क्रोध का क्रोधित रूप भी शांत कर देता है, क्योंकि रुद्र को शांत करता है इसीलिए इसका नाम रुद्र वीणा है। गुरुजी के पास मैंने 2.5 साल सीखा, अभी भी सीखती हूँ उनके पास ही। सुवीर मिश्रा जी कुछ सिखाने का टाइप कुछ अलग है, वो स्टूडेंट को एकदम हाथ पकड़ के सिखाता है कैसे कौन सा चीज़ बजाना पड़ेगा, कैसे स्ट्रोक देना पड़ेगा, कैसे मीर खींचना पड़ेगा। सिखाने का तरीका बहुत ही उनका अच्छा है। ऐसे तो मेरे को मालूम होता है कोई इस तरीके से सिखाते नहीं है। एक ठहराव तो हमेशा से था इनकी पर्सनालिटी में, बहुत पैशन आया कि मैं खुद बनाऊंगा, कैसे स्टडी करूं, कौन से साइज़ के बैम्बूज बनते हैं लगते हैं उसमें, और फेरेट्स किधर किधर लगाऊं, आगे पीछे करूं तो कैसे होगा। पूरे डेडिकेशन से फिर इन्होंने उसको टेकअप किया, पेन्स टेकिंगली उसको पेंटिंग करते थे, उसको फिर जोड़ते थे बैठ के, वो फिट नहीं होता था
तो महीनों का काम होता था, ड्रॉन आउट ओवर आई थिंक 1 or 2 years, देन ही परफेक्टेड इट. तो इस तरीके से ठहराव तो आया इनको, मतलब बहुत पेशेंस बढ़ी इनकी. फिर इन्होंने मेरे बेटे के लिए भी एक वीणा छोटी सी बनाई थी, तो वो तो था, फोकस बढ़ा इनका लाइफ में. मैं तीन रुद्रवीणा बना चुका हूँ, और दो रुद्रवीणाओं को मैंने डिसअसेंबल किया है और फिर से असेंबल किया है एक्सपेरिमेंट के तौर से. While playing music, I've seen he's very calm, and he told me once that all his emotions and all, they're in music, and when he plays, he feels very good and very relaxed. So, yeah, I guess that's the stress reliever. एक म्यूजिक सामने चल रहा है और एक म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा है, तो जो म्यूजिक सामने चल रहा है वो आपके कॉन्सर्ट में चल रहा है, लेकिन जो आपके बैकग्राउंड में चल रहा है वो आपकी बाकी लाइफ में चल रहा है. मेरे दिमाग में, मैं बेशक कुछ भी कर रहा हूँ, एट द बैक ऑफ माई माइंड वेन एवर आई एम एट पॉज, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन समथिंग, देन आई एज इफ यू नो वो पॉज खुल गया है और वो फिर से बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हो गया. तो उस तरह से होता है मेरे साथ, तो इसलिए वो ऐसा नहीं कि ट्रांजिशन बहुत ही शार्प ट्रांजिशन है. ट्रांजिशन है डेफिनेटली. Yeah.